Better to die fighting for freedom than be a prisoner all the days of your life. Marathwada Liberation Day is also known as Marathwada Mukti Sangram Day. It is celebrated in Maharashtra on 17th September annually. It marks the anniversary of Marathwada's integration with India when the Indian military invaded state of Hyderabad and defeated the Nizam on 17th September 1948, 13 months after Indian independence. Thank you and wish you happy Marathwada Mukti Sangram Day. Jai Hind. सदा सर रखना ऊंचा इसका, जब तक शरीर में जान है, जब तक शरीर में जान है। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिवस जो भारत के महाराष्ट्र राज्य का एक राजकीय त्योहार है, यह त्योहार हर वर्ष 17 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन 1948 में मराठवाड़ा से निजाम की सत्ता समाप्त हो गई और वह भारत का हिस्सा बना। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन राजुरा, कोरपना और ज्योति क्षेत्र में 2007 से मनाया जा रहा है। इतनी सी बात हवाओं को बनाए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को हमेशा अपने दिल में बसाए रखना, ऐसे तिरंगे को हमेशा अपने दिल में बसाए रखना। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिवस के आपको हार्दिक शुभकामनाएं। पंद्रह ऑगस्ट 1947 ला भारत स्वतंत्र झाला, तरी हैदराबाद संस्थानावर निजामांचंच राज्य होतं। मीर उस्मान अली खान शेवटचा निजाम। गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या आदेशानंतर 13 सप्टेंबर 1948 ला भारतीय सैन्याने कारवाई सुरू केली। केवळ 3 दिवसात हैदराबाद संस्थानातील सर्व महत्त्वाची केंद्र भारतीय सैन्याच्या ताब्यात होती। भारत सरकारकडून अटक टाळण्यासाठी निजामाने संधी मिळताच शरणागती पत्करली। याआधी हैदराबाद संस्थानात तिरंगा झेंडा फडकावणंही गुन्हा होता। हैदराबाद संस्थानात आताचे तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटकचे 2 जिल्हे आणि महाराष्ट्रातले 8 जिल्हे म्हणजे संपूर्ण मराठवाड्याचा समावेश होता। या लढ्यात मराठवाड्यातील स्वामी रामानंद तीर्थ, गोविंदबाई श्रॉफ, आनंद वाघमारे, बाबासाहेब परांजपे, साहेबराव बारडकर, अनंत भालेराव अशा अनेकांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली। सामान्य लोकांनी हैदराबादच्या मुक्ती संग्रामात उत्स्फूर्त सहभाग घेतला होता।